खबर है दिल्ली की 2 डिग्री वाली सर्दी में मेयर पद के लिए हो रहे सड़क संग्राम की। जी हां, आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखिए, दिल्ली की सर्दी में सियासी शोलों की तपिश इधर भी है और उधर भी। लोकतंत्र की दुहाई देते नारों का शोर इधर भी है और उधर भी। गुंडागर्दी की तोहमत इधर भी है और उधर भी। सच्चाई का दावा करते पोस्टर इधर भी हैं और उधर भी। एमसीडी के मेयर का चुनाव होना था जो हंगामे की वजह से टल गया, इसलिए नेता और कार्यकर्ताओं के सीने में आग इधर भी हैं और उधर भी। एक तरफ बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास का घेराव करने निकले, तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर संवैधानिक मर्यादा तार तार करने और गुंडागर्दी का आरोप लगाया। हम उनकी बेईमानी चलने दें तो हम सासी हैं, तो हम बहुत वीर हैं, और हम उनकी बेईमानी पकड़ लें हाथ करके तो कह रहे हम तुम डर गए। ये एक नई परिभाषा मैंने इस दुनिया में सुनी। हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक केजरीवाल अपने गुंडे निगम पार्षदों को नहीं बर्खास्त करेगा। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पे उतरेंगे। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि हमारी महिला निगम पार्षदों को मारा गया। इससे पहले एमसीडी के मेयर के चुनाव की कोशिश जबरदस्त हंगामे और मारपीट की भेंट चढ़ चुकी है। 6 फरवरी को जब नए चुने गए पार्षदों को शपथ दिलाने की शुरुआत हुई तब बवाल हो गया। आम आदमी पार्टी की मांग है कि प्रोटेम स्पीकर बदला जाए और मेयर के लिए एल्डर मैन यानी कि उपराज्यपाल की ओर से मनोनीत किए गए 10 पार्षद वोटिंग नहीं करें। तो एलजी साहब के मापदंड के हिसाब से भी नीमा भगत को जो है प्रोटेम मेयर बनना चाहिए था। एलजी साहब उस नोटिफिकेशन को वापस लें और सही आदमी को जो है प्रोटेम स्पीकर बनाए, क्योंकि ये गलत बात। दूसरी बात, जो एल्डरमैन बनाए गए वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। एलजी साहब इतनी बड़ी बड़ी नैतिकता की बातें करते हैं, पूरी दिल्ली के अंदर उनको एमसीडी के एक्सपर्ट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिले और वो अब चाहते हैं कि वो लोग वोट डालें कि हम नहीं होने देंगे। लेकिन उधर बीजेपी आदमकद पोस्टर लेकर लोगों को ये बताने निकली कि सिविक सेंटर में जो कुछ हुआ उसके लिए अकेले आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। ये प्रदर्शन चलेगा, ये गूंगी बहरी सरकार को जब तक हमने उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है, लोकतंत्र का हत्यारा है केजरीवाल। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की दलील है कि बीजेपी एमसीडी चुनाव में मिली हार को पचा नहीं पा रही, इसलिए कोशिश बैक डोर से मेयर चुनने की है। वोट सेरेमनी जब शुरू हुई तो 10 नॉमिनेटेड काउंसलर को पहले शपथ दिलाने की कोशिश की गई, जो वो भी गैर कानूनी है क्योंकि पहले हमेशा इलेक्टेड काउंसलर्स की ही शपथ हुई है अभी तक इतिहास में। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, गुंडागर्दी उनके पार्षद कर रहे हैं, सत्ता में होने के बावजूद हाउस नहीं चलने दे रहे हैं, दिल्ली के विकास कार्य उन्होंने रोक दिया और 2 दिन से किस तरीके से बेशर्म होकर के उनके प्रवक्ता आ रहे हैं न्यूज चैनल पे और बोल रहे हैं कि जी हमारा कोई कसूर नहीं है, बीजेपी की गुंडागर्दी है, जबकि पूरे देश ने कैमरा पे देखा कि उनके नेता, उनके पार्षद जो जो काम वहां कर रहे थे, माइक तोड़ रहे थे, पोडियम तोड़ा, कुर्सियां फेंकी, उन्होंने गुंडागर्दी जिस तरीके के मचाई सबने देखा। जोशीले नारों के साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के आवास की ओर मार्च किया, लेकिन पुलिस ने बीच में रोक लिया। आगे बढ़ने की जबरदस्ती कोशिश हुई तो पुलिस उनको वैन में बैठा कर ले गई। कुछ राजी खुशी गए तो कुछ ले जाए गए। लेकिन एक बात साफ हो गई कि एमसीडी मेयर को लेकर सियासी तकरार सड़क पर जारी रहने वाली है। केजरीवाल हाय हाय।
तक बस नहीं जाएगी जब तक मैं नारे लगाता रहूंगा। वहीं आम आदमी पार्टी की तैयारी भी पूरी है। पार्टी के पास एमसीडी में बहुमत है और वो अपना मेयर चाहती है। अब इसके लिए टकराव हो तो हो। आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन बीजेपी दफ्तर की तरफ, और यहाँ पे लगातार आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि बीजेपी को नगर निगम के उस मुद्दे पे घेरा जाए जहाँ पर एलजी द्वारा एल्डर मैन की नियुक्ति की गई। कहानी ये है कि मेयर के चुनाव के लिए एमसीडी में 133 वोट की जरूरत है और आम आदमी पार्टी के पास 150 वोट हैं, लेकिन पेच यहाँ फंसा है कि मनोनीत पार्षदों ने वोटिंग की तो मामला करीबी हो सकता है, और इसलिए दोनों पार्टियों में घमासान जारी है। दिल्ली से पंकज जैन और रामकिंकर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।